हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सिक्रेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है, आपको लेकर साजिश क्यों हो रही है? आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि आपको लेकर आखिर साजिश क्यों हो रही है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7405200378। इस नंबर के थ्रू आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सभी को डिटेल में आंसर मिलता है, आपको भी डिटेल में आंसर मिलेगा और बहुत ही कम चार्जेस से आप एफोर्ड कर सकते हैं। यूनिवर्स बताइए उनको लेकर साजिश क्यों हो रही है। रिलीज तो आपके लिए फर्स्ट आंसर आया है। इम्पास, डिस्कवरी, रिजेक्शन, ट्रिकरी एंड लास्ट कार्ड है बिटर स्वीट। ओके, प्रेयर। ओके, तो यस, यहाँ जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी नॉर्मली 60% है। यस, और एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी 50% है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी 30% है एंड कैंसर स्पाइस स्कॉर्पियो की एनर्जी 70% है। तो यहाँ हर एक एलिमेंट का जो साइन आए हैं वो पूरी तरीके से मिनिमम ही है, बहुत ज़्यादा है। एक हाई मैक्सिमम परसेंटेज आए हैं ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपको लेकर साजिश आखिर जो हो रही है वो इस तरीके से यहाँ एलिमेंट के थ्रू ही ये रीडिंग रहेगी, जिसके चलते यहाँ साइन के मुताबिक यही है कि आपको लेकर साजिश फर्स्ट ऑफ ऑल इस वजह से हो रही है क्योंकि लोग आपकी पावर को सह नहीं सकते हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हो और आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर भी सकता है फिर भी आप अपने आप को संभाल लेते हो। तो कहीं ना कहीं लोग आपको स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि आप इतने पावरफुल कैसे हो, इस वजह से आपको लेकर साजिश करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब रहते हैं, इतना ज़रूर है। आपके लिए फर्स्ट एनर्जी आई है रिलीज एंड इम्पास। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को स्ट्रांग मानते हो, अपना बिहेवियर और अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांग तरीके से रखते हो, वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए, गिराने के लिए, एक आपकी एक अहमियत दूसरों के मन में ना रहे इसको लेकर कुछ ना कुछ साजिश करते रहते हैं, और वो जानबूझकर कर रहे हैं, और आपकी अहमियत लोगों के बीच में बिल्कुल भी ना रहे और पूरी तरीके से रिलीज़ हो जाए, यानी आपको पूरी तरीके से बेदखल किया जाए उन लोगों की अहमियत में से, इस तरीके की उनकी एक सोच है। तो आपको लेकर जो साजिश है वो इस वजह से है क्योंकि आप पावरफुल हो, क्योंकि आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो और दूसरों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हो, वो भी उनको पसंद नहीं आता है, और यहाँ आपके अपने आप में बहुत ज़्यादा डेयरिंग है। आप एक बहुत ही ओपन माइंडेड और फ्रीली फ्रिक्वेंसी से बातचीत करने वाले पर्सन हो, ओपन माइंडेड तरीके से अपने बात रखने वाले पर्सन हो, ये बात उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उनको लगता है कि आप दखलंदाजी कर रहे हो, उनको लगता है कि आप उनको जानबूझकर हैरान परेशान कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है, इस वजह से वो आपको लेकर साजिश करते हैं, और ये बात शायद आपको भी पता है। यहाँ वो बार बार आपकी सिचुएशनों में जानबूझकर टांग अड़ाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके जीवन में बार बार दखलंदाजी करते हो, इस वजह से वो आपके जीवन में भी बार बार दखलंदाजी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो उनकी दखलंदाजी होती है वो सिर्फ अपने टोन के द्वारा और शब्दों के द्वारा ही होती है, क्योंकि उनकी साजिश पीठ पीछे हो रही है आपको लेकर। कहीं ना कहीं वो आपको लेकर बढ़ चढ़ कर कुछ ना कुछ साजिश आपको लेकर करनी है वो पीठ पीछे कर रहे हैं, मुंह पर सिर्फ टोन हंसते हुए खुशी से टोन देकर निकल जाते हैं, इस तरीके की एनर्जी है।
इस वजह से कहीं ना कहीं आपको भी पता चल गया है कि आपको लेकर साजिश हो रही है, क्योंकि डिस्कवरी एंड रिजेक्शन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि कौन मेरे लिए साजिश कर रहे हैं। और जो भी लोग मेरे लिए साजिश कर रहे हैं उनको अच्छे तरीके से मेरे बारे में पता है कि मैं कभी भी हार नहीं मानती हूँ, कभी भी अपने जीवन में किसी भी चुनौती से डरती नहीं हूँ, अपने तरीके से हर एक पहलू में कामयाब होती हूँ, ये सब कुछ उनको पता है। इस वजह से उनको रिजेक्शन का डर है, उनको कहीं ना कहीं वो नहीं जीत पाएंगे और आप जीत जाएंगे, इस तरीके की एनर्जी है जो उनके दिलो दिमाग में डराती है उनको। तो उनका डर की वजह से वो आपको कहीं ना कहीं नीचा या रिजेक्ट करने की पूरी तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि आपको हमेशा रिजेक्शन मिले, वो चाहते हैं कि आप हमेशा दुखी और परेशान रहो, लेकिन आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि आपकी हिम्मत आपको बहुत अच्छा जवाब देती है और आपका खुद का स्ट्रगल संघर्ष आपको हिम्मती बनाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चढ़ कर बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन कभी भी नहीं मिलता है, क्योंकि रिजेक्शन के जो पास कार्ड आया है वो है ट्रिकरी और यहाँ डिस्कवरी। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ जो आपको लेकर साजिश करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ती है, यानी उनको ही भुगतना पड़ता है, वो यहाँ नज़र आता है। तो यस, वो जितना भी आपको लेकर षड्यंत्र बनाते हैं, साजिश कर रहे हैं, उतना ही वो खुद भी गिर रहे हैं, इतना ज़रूर है, क्योंकि जितने अपने तरीके से वो कोशिश करते हैं उतना ही उनको इसमें हार मिलती है। क्योंकि यहाँ जितना लोग आप यहाँ आपके आसपास के जो भी लोग हैं जो आपको लेकर साजिश कर रहे हैं और आपको रिजेक्शन का भय दिखा रहे हैं और डरा रहे हैं, उनको खुद ब खुद ही डर लग रहा है। जो मैंने आपको आगे कहा कि उनको खुद ब खुद डर है कि कहीं आप ना आगे निकल जाओ, और सच में आप आगे निकल रहे हो तो उनका डर भी बढ़ रहा है। अब डर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह कोई भी गलती हो जाती है और उनसे वो गलती हो रही है। इस वजह से वो अपने तरीके से उनकी साजिशों में कामयाब नहीं ही हो पा रहे, क्योंकि उनके अंदर डर आ रहा है कि आपको हर तरीके से वाहवाही मिल रही है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश हो, आपके पास सब कुछ आ रहा है, तो इतनी ज़्यादा साजिश करने के बाद भी ये सब कुछ आपके पास क्यों आ रहा है, इस तरीके की एनर्जी उनके दिलो दिमाग में आती है। इस वजह से कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी टूटा है और उनकी हिम्मत भी टूटती है कि आपके पास तो सच में बहुत कुछ आ रहा है, तो हम जो आपको लेकर साजिश कर रहे हैं उसका तो सही तरीके से कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा उनको लगता है, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं दुखी परेशान हैरान हो जाते हैं और इस वजह से आपको लेकर साजिश अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। यहाँ लास्ट में प्रेयर की एनर्जी, अब जो यहाँ आप दूसरों के प्रति एक भावपूर्ण यानी एक बहुत ही अच्छी वे में दूसरों के प्रति अच्छा दिखा रहे हो या अपना सदाचार या अपना स्वभाव अच्छे वे में रख रहे हो, इस वजह से गॉड्स की ब्लेसिंग्स भी आपको ऊपर रहती है, जिसकी वजह से आपको कितने सारे आपके आसपास के लोग हैं जो आपको लेकर साजिश कर रहे हैं, आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हर तरीके से तोड़ने की कोशिश उनकी लगातार हो रही है, फिर भी आप कहीं से भी नहीं टूट रहे हो, क्योंकि यहाँ आपके साथ आपके विश्वास, आपकी हिम्मत, आपकी पावर खड़ी है। यहाँ आपको कहीं से भी किसी भी तरह एक आपके जो भी भगवान है उसका सपोर्ट है, एक देवीय शक्ति का सपोर्ट है आपके ऊपर, जिसकी वजह से कोई आपको कितना भी खराब करना चाहे लेकिन वो नहीं कर सकता है, इस तरीके की एनर्जी है। तो आपके साथ एक ऐसी खूबसूरत शक्ति है रहती है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है, और जिसकी वजह से ये जो साजिश करने वाले लोग हैं वो ढेर के ढेर हो जाते हैं, यानी उनका कोई भी एक साजिश या उनकी जो भी चाले है वो काम नहीं आती है। और क्या है, चलिए देखते हैं। जो मैंने कहा कि आप जो बहुत ज़्यादा सहनशील हो, अपने तरीके से अपने आप को एक ऊंचा दिखाना,
व्यवस्थित रहना, अच्छे तरीके से बातचीत करनी, ये सब कुछ उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप जो लोगों को सपोर्ट करते हो, साथ देते हो, वो तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उनको लगता है ये बढ़ चढ़ कर अपनी वाहवाही ले रहे हैं, इस तरीके से वो सोचते हैं हैप्पी हैप्पी। चाओस एंड कॉन्फ्लिक्ट पॉइजर्ड नो प्लेस लाइक होम एंड पीस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कम्युनिटी। वही है कि उनको बहुत ज़्यादा डर है कि कम्युनिटी में उनकी क्या छाप रह जाएगी। इस तरीके से आपको ही नाम लिया जाएगा, आपकी ही वाहवाही होगी, आपको ही, आपके बारे में ही सभी लोग बातचीत करेंगे, तो हमारा तो कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। इस तरीके का डर उनको सताता है, इस वजह से वो बढ़ चढ़ कर आपको लेकर साजिश करने के लिए बार बार कोशिश करते रहते हैं। यहाँ आप खुश रहते हो तो वो भी उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो आपकी खुशी को वजह से भी वो आपको लेकर साजिश करते हैं, क्योंकि आपकी खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। यहाँ आप जो एक आपके सामने कोई सिचुएशन आती है, और वो छोटी सिचुएशन हो या बड़ी सिचुएशन हो, उसके लिए आपका जो 100% तरीके से एक कर गुजरने का तरीका होता है, या उसमें से बाहर निकलने का जो तरीका होता है, वो इतना क्लियर कट होता है कि ये जो साजिश करने वाले लोग हैं वो सोच में पड़ जाते हैं। इस वजह से जो आप जो भी परिस्थिति को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, या जितनी भी कोशिश करते हो, उसमें वो बार बार और अलग तरीके से दखल अंदाजी या आपका स्ट्रगल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जितना आप कर रहे हो उसमें और ज़्यादा परेशानियाँ प्रॉब्लम्स खड़ी करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आप उसमें जीत ना पाओ और आप अपनी परिस्थितियों में उलझे रह जाओ और उसमें से कभी भी बाहर ही ना आ पाओ। इस तरीके की कोशिश उनकी लगातार होती है। फिर भी यहाँ ये है कि आप उस जो भी परिस्थिति आप अपने हाथ में लेते हो उसमें से बाहर निकल कर ही रहते हो। यहाँ इसकी वजह से आपके ऊपर जो मैंने कहा कि आपके ऊपर जो ब्लेसिंग्स है, और आपका जो एक खुद के प्रति जो भाव है या विश्वास है, वो इतना बढ़ चढ़ कर अच्छा है कि उनकी कुदृष्टि, उनकी गंदी सोच आपके ऊपर ज़रा सी भी नहीं पड़ती है, और उनकी हर चाल नाकामयाब होती है। यहाँ वो कितने भी आपको लेकर बुरी तरीके से कोशिश करे कि आप पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि पॉइजर्ड एंड नो प्लेस लाइक होम की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि जितना वो आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप ऊंचे उड़ते हो या ऊंचे आगे बढ़ते हो। यहाँ नो प्लेस लाइक होम एंड पीस की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि वो आपको लेकर साजिश इस वजह से भी करते हैं क्योंकि आपके परिवार का आपको सपोर्ट है, वो यहाँ नज़र आता है। आपका फैमिली बैकग्राउंड सच में बहुत अच्छा है, चाहे आपके पास कम पैसे हो या कम सुविधा हो, लेकिन आपके अपने लोगों का प्यार और सपोर्ट और सहारा बहुत ज़्यादा ही है, और इस वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत अहमियत रखते हो आपके खुद के जीवन को लेकर, और बहुत ज़्यादा खुश रहते हो अपने लोगों के साथ। इस वजह से कहीं ना कहीं यही आपकी एक हिम्मत है, यही आपका एक जुनून है कि मेरे लोग मेरे साथ है, इस वजह से मैं कुछ भी हासिल कर सकती हूँ, कुछ भी अपने तरीके से अपने जीवन में जीत हासिल कर सकते हूँ या कर सकते हैं, इस तरीके से आपकी एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ आप इस वजह से शांति बनाए रखने वाले पर्सन हो। अब आसपास के लोग यही चाहते हैं कि आसपास का माहौल थोड़ा खराब हो, एक दूसरे के साथ थोड़ी जलन हो, एक दूसरे के साथ नोकझोंक हो, और शांति तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से जो इस तरीके के लोग होते हैं उनको शांति पसंद नहीं है, इतना जान लीजिए। उन दूसरों के जीवन में शांति हो, खुशी हो, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो वही है कि आपके जीवन में शांति है, एक पीसफुल आपको जीवन में एक खुशी है, वो उससे सहन नहीं होती है, इस वजह से वो आपको लेकर साजिश करते हैं, क्योंकि आपके जीवन में जो शांति होती है वो उनको अशांति करनी है। यानी आपके जीवन में हमेशा दुख परेशानियां ही आती रहे, समस्या ही आती रहे, ऐसा वो चाहते हैं, और ऐसा हो नहीं पाता है, और आप अपने जीवन को इतनी खूबसूरत तरीके से एंजॉय कर रहे हो, वो तो उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता है,
इस वजह से वो आपको लेकर साजिश करते हैं। अब मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि आपके लिए जो भी साजिश हो रही है वो ये कार्ड से यही लगता है कि आपके नज़दीकी लोग हैं, क्योंकि यहाँ भी कम्युनिटी का कार्ड आया है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो साजिश करने वाले लोग हैं वो आपके साथ ही रहते हैं, आपका ही खाते हैं, आपके साथ ही अपनी बातें भी शेयर करते हैं, और उनको आपसे ही जलन भी होती है, और पीठ पीछे आपको लेकर ही बार बार बहुत सारी साजिश करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप भी यहाँ ये नज़र आता है कि आप भी उनके साथ अपनी बात शेयर करते हो, उनकी हर आपकी जो भी दुविधा है, जो भी बातें हैं वो उनके साथ शेयर करते हो। इस वजह से भी कहीं ना कहीं वो आपकी बातों का फ़ायदा उठाते हैं, आप उठाती हुए वो आपको लेकर साजिश करते हैं, वो यहाँ ज़रूर नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो साजिश करने वाले लोग हैं उनके साथ आपकी अच्छी खासी एक ट्यूनिंग है, वो यहाँ नज़र आती है। आपका उनके साथ एक बोलना चलने का व्यवहार है, और कहीं ना कहीं आप उनके साथ बातचीत नहीं भी करने जाओ फिर भी वो सामने से आपके साथ बातचीत करने आते हैं कि आपके जीवन में आखिर चल क्या रहा है। वो उनको जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, वो यहाँ नज़र आता है, जिसकी वजह से वो बढ़ चढ़कर आपके जीवन में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं। इस वजह से भी वो आसानी से आपके जीवन में साजिश करते हैं। लेकिन यहाँ आपकी इस तरीके की एनर्जी है कि आप ज़्यादातर अपने बहुत ज़्यादा बातें शेयर नहीं करते हो, इस वजह से वो कहीं ना कहीं साजिश में मात खा जाते हैं और आपकी जीत होती है, वो यहाँ ज़रूर है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। लव यू, बाय।